ಇಲ್ಲಿ ನಾವು एक के सबसे ज्यादा आठ है कि क्या है तो आपके हैं। अच्छा आपके आठ ठीक है और इसके साथ छः ठीक है। देखो भाई एक फिर जैस सिक्वेंस एंड सीन शुरू करते हैं भाई। शुरू करें यस सर। देखो एक क्वेश्चन है जैसे द इनकम एंगल ऑफ ए पॉलीगन है द इंटरिम एंगल ऑफ एन ए पी द इंटरिम एंगल ऑफ इंटरिम INTERIM द इंटरिम क्या अंत है द इंटरिम एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन ए पी द आर इन ए पी स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 degrees एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 degrees common difference is five degree find the number of side of the polygon ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है एक पॉलीगन है उसका जो सबसे छोटा एंगल है कितना है 120 है और जो कॉमन डिफरेंस है इनके एंगल का कितना है 5 डिफरेंस है और क्या कह रहा है तो उसका साइड बताना क्या बताना है उसकी कितनी साइड होंगी कितने। अच्छा कोई अगर पॉलीगन होगी सम ऑफ साइड का क्या कितनी होती है कितनी होती है अगर पॉलीगन है पॉलीगन में सम ऑफ एंगल एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल का सम कितना होता है जैसे मान लिया पॉलीगन कैसे किसे कहते हैं पॉलीगन कहते किसे हैं ए फिगर विच हैव टू मोर साइड इन कॉल टू द पॉलीगन जैसे एक ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है टू मोर साइड नहीं हो गई दो से ज़्यादा कितनी साइड है अंदर तीन पॉलीगन नहीं हो गया तो इसके ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल का कितना होता है 180 शाबाश। ये क्या हो गया ये क्वाड्रेटल हो गया इसका सम कितना होता है फिर क्या फॉर्मूला फॉर्मूला भी होता है बस वैसे ही रेट रखिए क्या है क्या बस ये तो नहीं तो कोई ट्राइंगल में तो हाँ ये कुछ फॉर्म लग गया वैसे ही है क्या मेरे फॉर्म लगे है इसका ये इसका 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 कुछ फॉर्म लगे सेट होता है बस वैसे ही रटना रट रखा रट होना देखो क्या होता है n माइनस टू इंटू वन बाई एट्टी अब दिन रटना पड़ना n माइनस टू इंटू मल्टीप्लाई 80 मैंने दिया था ये रेगुलर पॉलीगन हैव एन साइड हैव एन साइड व्हाट इज द ईच एंगल एक सवाल दिया था मैंने तो अगर रेगुलर पॉलीगन है एन साइड है तो उनका सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा एन माइनस टू इंटू वन बाई टू या 80 या पाई लिख सकूँ यहाँ अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो इसकी एक एंगल कितने का हो जाता है 60 यानी 180 को 3 से डिवाइड कर देता इसके अंदर कितनी साइड है एन साइड है तो एक एंगल क्या जाएगा एन से डिवाइड कर दो यही सवाल आंसर था एन माइनस टेन एन माइनस टू पाई अपोन है था नहीं इसमें लिखा हुआ था सॉन। अच्छा तो अब ये सम ऑफ जैसे ट्राइंगल के लिए जैसे फोर ट्राइंगल के लिए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर वी हैव द एन द ट्राइंगल एन इक्वल टू 3 इन ट्राइंगल वी हैव 3 साइड तो वी हैव 3 माइनस टू इंटू 1 बाई 80 मीन्स इज इक्वल टू 1 इंटू 80 इज इक्वल टू 180 आगे तुम्हें किस तरह फोर क्वाड्रेटर वी हैव फोर साइड तो वी हैव फॉर दिस फॉर माइनस टू इंटू 180
2 into 180 is equal to 360. That is means the sum of the quadrilateral is 360. So 5 6 सब की निकाल लेगा. अच्छा ये एक पॉलीगन है, पॉलीगन है, पॉलीगन की जो है कितनी देर है किसके अंदर, स्मॉल एंगल 120 है और डिफरेंस क्या है 5. यानी अगला क्या है, अगर मान ली स्मॉल एंगल का मतलब सबसे छोटा एंगल तो 120 होगा, अगला कितना होगा 120, फिर अगला ये क्या है हो गई सारी ए पी के, ये क्या हो गई स्मॉलेस्ट टर्म क्या हो गई ए हो गई, ए इज इक्वल टू 120 तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 दे रखा एन एम मान ली लेट साइड इज एन, लेट साइड इज एन. इस ए पी का सम निकाल लो भाई, ए पी का सम का फॉर्मूले क्या था, हाँ शाबाद वही वाला, वही वाला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं सम ऑफ ऑल एंगल कहूंगा तो यहाँ ये सम ऑफ ऑल एंगल क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल कितने होता है किसी चीज के पॉलीगन के, ये होता है मुझे तो ये बताया गया था अभी, ये नहीं बताया गया था, लेकिन सम ऑफ ऑल एंगल क्या है मैं ये सारे ए पीमा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके नीचे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन माइनस टू या 180 एन माइनस 360, एन की जगह तो एन ही है, टू ए की वैल्यू कितनी है 120 प्लस एन की जगह तो एन, डी की जगह कितना है 5, 180 एन माइनस 360 बोलो एन बाई टू क्या जाएगा, टू से अच्छा क्या जाएगा बोलो 240 प्लस 5 एन माइनस 5 इज इक्वल टू 180 एंड टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चला कर दूंगा एन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो 240 माइनस 5 235 और एन की 5 एन में क्या आएगा, 5 एन का स्क्वायर क्या आएगा 5 एन स्क्वायर माइनस 235 एन इज इक्वल टू 180 एन माइनस 360 कहाँ बड़ा है, ले कोई बात नहीं ठीक नाराज ना हो. देखो क्या आ गया भाई, ये नीचे 2 है भाई, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, दिक्कत तो नहीं कुछ, तो क्या आ गया 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल टू 360n माइनस 720. अब इसको इधर ले आऊंगा क्या आ जाएगा बोलो, एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस 360 प्लस 235 कितना जाएगा, ये माइनस के 125 आ गया माइनस 125 एन माइनस 720 इक्वल टू जीरो प्लस, बल्कि इधर आगे प्लस का जाएगा, इन दोनों में 5 कॉमन है छोटा का बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस ये 124 के ऐसे फैक्टर जिनका 5 एन निकल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब बच्चे उधर कहीं बहुत बार करे होंगे तो बुद्ध हो गए करते करते, ठीक है आई नहीं बात सुनी, देखो एक क्या था, एक पॉलीगन दे रखा था, एक पॉलीगन की साइड निकालनी है, उसका इस्तेमाल है एंगल 120 है, इनका कॉमन डिफरेंस है डी, सीधा फॉर्मूला है इसका सम ऑफ ऑल पॉलीगन का फॉर्मूला ही होता है, और जब ए पी दे रखी तो उसका ये होगा दोनों इक्वल होंगे, वैसे कटिंग करनी फिर तो है आसान था, ये पूछा था मैंने कि इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन द ईच एंगल विल बी इफ वी हैव एन साइड, तो क्या आंसर आना था उसका एन माइनस टू पाई अपॉन एन था, ये तो सवाल ही मैंने सोचा पता होगा आपको ये फॉर्मूला सीधा सीधा सिंपल सा, और आठ में देखा था पढ़ाई था पढ़ा करो देखा ना करो. आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़े आगे
देखो एक क्या होता है जीपी, एक क्या होता है जीपी मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया ठीक से, आगे अच्छी तरह आगे पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस वेयर फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो, फर्स्ट टर्म इज एंड सक्सेसर वी गेट टू द मल्टीप्लाई बाय द ए कॉन्स्टेंट टर्म इन टू द प्रोड्यूसर। यानी कि जी पी वो एक एक सिक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म तो मान लेके आनी चाहिए नॉन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो इसके बाद टर्म्स आएगी उसकी इसमें मल्टीप्लाई करके सक्सेसर की जो टर्म्स आएगी क्या है नॉन जीरो, एक कॉन्स्टेंट ही क्या कर दूंगा इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लिया वो नॉन जीरो टर्म्स क्या है, मान लिया आर है, आर भी कैसा टर्म्स आए नॉन जीरो, तो ए की क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर में, यानी प्रोड्यूसर में आर में सक्सेसर आ जाएगा ये। यानी ए सीक्वेंस इट इज ए सीक्वेंस विच वी गेट द फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड सक्सेसर टर्म्स गेट बाय द मल्टीपल बाय एनी कॉन्स्टेंट, एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इन द प्रोड्यूसर टर्म्स। प्रोड्यूसर टर्म में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करके अगर लिखी आएगी ए आर का फिर आगे ए आर की पावर फोर आगे ए आर की पावर एन माइनस दूसरे टर्म में कम है ना एन वी टर्म से ए आर की पावर एन माइनस वन ठीक। दैट इज कॉल्ड टू द ए पी द ए जी पी दैट इज कॉल्ड टू द जी पी, जी पी विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीज। जी पी क्या है? इंक्रीजिंग हो सकता है और किस डिपेंड करता है ऑन विच दैट कंडीशन दैट द डिपेंड ऑन द जी पी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। यानी किस बात पे डिपेंड करता है कि ये जी पी प्लस होगी या माइनस होगी अकॉर्डिंग टू आर, अकॉर्डिंग टू आर इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो, इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो देन जी पी विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीज जी पी। If R is less than zero, तो GP कैसी होगी? Decrease ये होगी, Increase ये कैसी होगी? Decrease। यहाँ तक बात समझ में आ गया? आई नहीं बात में? ये increase होगी, ये decrease होगी। किस बात पे डिपेंड करता है ये? R पे डिपेंड करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये R होता क्या है? R क्या होता है? R means होता है T2 upon T1, the ratio between two consecutive terms। इसमें क्या था AP में? The difference between, इसमें difference था minus कहते नहीं? D2 is equal to T2 minus T1। इसमें क्या है? Ratio है T2 upon T1 upon T2 नहीं, जितना T2 minus T1 था T2 upon T1। A क्या है? R क्या है? ये सीरीज हो गई। दैट इज मीन इन सच दैट टाइप सीरीज ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्या कहलाता है? ये जी पी कहलाता है। हियर एनथ टर्म, अगर मान लो एनथ टर्म को फॉर्मूला मान लो ए एन दिखा दो या टी एन दिखा दो, एक ही बात है, तो क्या फॉर्म लेगा? टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। एक यू भी आ रहा है, ये भी आ रहा है भाई, ये देख लो इधर आई मैं कन्फ्यूज ना जाइए, मैंने ये कैसे लिखा ये कैसे लिखा है। अच्छा अब देखो क्या होता है। अच्छा अगर कोई सीरीज क्या होगा, अगर कोई सीरीज है ये है तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, क्या हो क्या सीरीज है? मतलब पहले क्या आ रही सीरीज, ये टर्म्स मान लिया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव अल्टरनेट हो, अल्टरनेट इफ वी हैव सीरीज, मतलब ये सारी तो कंडीशन प्रूव कर रहा लेकिन क्या आ रहा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन इट विल नॉट बी डिक्रीज और नॉट इंक्रीज, ना तो इंक्रीज होगी ना कब? व्हेन अल्टरनेट साइन होगा, याद रहेगा
अगर अल्टरनेट साइन है, क्या है ये अल्टरनेट साइन कहला, एक प्लस माइनस इस तरह, देन सीरीज विल बी नॉट इन ग्रे नॉट इन। यहां से बात समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। को सुनते रहो पहले, ये भी कहां से, अगर आर जो है ये डिग्री इनक्रीज यहां पे डिपेंड करता है आर पे भी। अच्छा, अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो और आर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब अगर क्या आएगा, ए इज लेस देन जीरो आर इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी हो सकता है, हैं? ये भी हो सकता है ए इज ग्रेटर देन जीरो और आर की वैल्यू जीरो और आर के बीच लाई करे, ये भी हो सकता है ए की वैल्यू जीरो और आर के बीच इंक्रीज है। ये चार कंडीशन हो सकती है सीरीज में। सर ये तो सेम थे, कौन सा सेम है, आर आर जो लाई करवा दीजिए, कौन सा वाले, ये ये ए क्या है, ए इन ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है, एक ही है, नहीं नहीं चल रहा है, ये आर की तो वैल्यू है, ये तो अलग है इसमें, ये तो यहाँ ये सेम है, देखिए दोनों ही सेम है, फिर यहाँ तो ये भी सेम है। ये चार कंडीशन हो गई, क्या हो गई, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, इफ ए इज लेस देन ए, ए इज ग्रेटर देन जीरो, आर इज ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए का मतलब, हाँ ये लिखो तारो उसको तारो, आर की वैल्यू है, वो गलत बता रहा था भाई, आर की वैल्यू क्या पे डिपेंड करती है, वन पे, आर इज ग्रेटर देन वन, आर इज लेस देन वन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ये ध्यान रखना। लिख लो, लिख तो ले, पहले से लिख दो, मैं बता रहा हूँ, लिख लो, बताते हैं सवाल ही बता दें, देखो भाई क्या है, देखो देखो क्या है, ए इज ग्रेटर देन जीरो आर इज ग्रेटर देन वन, तो क्या आ जाएगा, ये कैसी सीरीज होगी, इंक्रीज होगी, ए इज लेस देन जीरो आर इज ग्रेटर देन डिक्रीज होगी, ये चार कंडीशन होगी, समझ में आ जाएगा। तो अब इन्होंने कहा कि हिंदी में बता दो जीपी की क्या सीरीज होती है, जीपी वो सीरीज है, वो सीक्वेंस अनुक्रम है, सीक्वेंस क्या कहते हैं, अनुक्रम और श्रेणी, वो अनुक्रम है, अगर हम किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से किसी पहले वाले टर्म से गुणा करते चले जाएंगे, बाद वाला टर्म मिलता चले जाएगा, जैसे नॉन जीरो कॉन्स्टेंट क्या है, आर, ए की फॉर्म मल्टीप्लाई करी ए आर, फिर इसमें ई है, इसमें किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है क्या आता है उसमें, वो सीरीज मिलती चले जाएगी। ए पी में क्या था, वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट क्या था, हम जोड़ दें या
जोड़ना ही था, जैसे पीछे तो ये भी कह सकता है जैसे घटाने को तो प्लस माइनस फाइव, नो प्लस माइनस फाइव जोड़ दो, माइनस फाइव का मैंने जोड़ दो क्या मतलब माइनस फाइव घटा दो, ही नहीं कहते, चाहे तो ये कह दो आर से मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे कह दो, चाहे तो कह दो आर से डिवाइड कर दो, चाहे कह दो वन पोनो आर से मल्टीप्लाई कर दो, वन पोनो आर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, आर से डिवाइड ही तो है, तो इसलिए हमने क्या कहा इसको, इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दिया, अगर मान लिया टू से डिवाइड करें, टू से डिवाइड नहीं कहने थे, क्या कहें वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कहते हैं बच्चों फ्रैक्शन में बताएं, तो एक नंबर से अगर हम किसी भी फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रहा, नेक्स्ट से फिर अगर नेक्स्ट आ रहा वही टर्म से, तो उसकी जो रेशियो होती है कॉमन रेशियो से कहते हैं आर, इसे कॉमन रेशियो कहते हैं, तो क्या कहते हैं आर, इसमें वही जी पी मिलती है, वही क्या मिलती है ए पी, कहते मिलती थी प्लस करके, प्लस या माइनस है ये तो बताया था, इसमें क्या है तो मिलती है डिवाइड मल्टीप्लाई करके, क्या क्या मिलती है, और इसमें क्या था डी टू माइनस डी वन टी टू, ये मिलती है, मान लिया इसमें ये था नहीं सीरीज ये ए ए प्लस डी, ये टाइम तो डी जोड़ जोड़ के आ रहा था, ये कह रहा हमें, ये कह रहा हमें जिससे ये सीरीज मिल रही थी वो तो इसका डिवाइड करके आ रहा है यहाँ, है आई बात नहीं भाई, अच्छा अब देखो क्या है, अगर मान लिया देखो क्या है सवाल, अगर मान लिया कोई जीपी है, क्या है ये कोई जीपी है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या आ गई है एनथ क्रम आ गई भाई, ये तो कहूंगा इसकी एनथ क्रम, एनथ टर्म का मतलब ये कौन सी टर्म है सीरीज की है, लास्ट टर्म भी हुई, अगर लास्ट टर्म को क्या दिखाई थी, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म पे एल से एल इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, अब मैं को एनथ टर्म फ्रॉम द एंड, अब क्या कहूं उसमें क्या था फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें क्या आ गया एल एन टर्म फ्रॉम द एंड एल अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन, और ए तो उतना ही ए आर की पावर एन माइनस वन, क्या आयो nth term, nth term from the end, from the end, end से nth term क्या, nth term क्या होगी l upon r upon minus l, where l is the last term, r है, यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक नहीं है, और इसको भी ये है कोई क्वेश्चन काट रहे कई बार काटता हुआ लिखते साथ हैं, क्या है क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लस लिखो ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स सी प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जी पी, क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, इस तरह के कि पता लगाना ए बी सी डी कैम हो गया, इसका ऑप्शन वो दे सकता है ए बी सी डी आर विल बी इन ए पी जी पी एच पी और नन, क्या ये कह देगा है एक ही बात क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह आ जाएगा वो तो,
तो अब इसको क्वेश्चन को करना है कि ये कह में होंगे। देखो मान लिया लेट ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, दिक्कत तो नहीं कोई अपॉन इसकी है हाँ, अपॉन क्या मान लिया के नीचे वन है ठीक है, इसके क्या मान लिया मैंने माइनस ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या कहा इसको कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा दें, क्या लगा देंगे इसके लैम्डा मान लिया भाई मैंने कोई हाँ इसे टर्म्स को ये दे रखी है भाई बात नहीं, मैंने सोचा कि उल्टा उल्टा पुल्टा ना हो जाए माइनस प्लस है, चलो तरीका समझ लो तो कोई कुछ भी हो है फिर लैम्डा अपॉन वन आगे कोई दिक्कत तो नहीं। एक बताइए मैंने कंपेंडो एंड डिवेंडो याद है ये फोन बता था कंपेंडो एंड क्या कंपेंडो एंड डिवेंडो क्या था, अगर कहीं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो क्या जाएगा बोलो याद है कुछ मैंने जो इधर करो वही क्या बता था, अगर इधर करो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आएगा तो इधर क्या जाएगा बोलो ये था कंपेंडो एंड डिवेंडो ये नहीं था, तो अब मैं सही ऐसे ही इधर कर लूँ क्या जाएगा ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस प्लस ए माइनस बी एक्स, इसे घटा दिया तो वाले को फिर जोड़ दिया ही नहीं है बोलो इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा बोलो दिक्कत तो यही आई मतलब यही है कंपेंडो डिवेंडो बोलते हैं, इसे क्या आ जाएगा बोलो ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स से टू ए इक्वल टू लैम्डा क्या आएगा ए से ए क्या आएगा टू बी एक्स अपॉन टू ए इक्वल टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस इस टू से टू जाएगा क्या जाएगा बी एक्स अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन और बी अपॉन ए इक्वल टू क्या जाएगा वन बाई एक्स लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस, यहाँ तो बात समझ में आ गई रेटी वाली बात तो नहीं है बोलो ये एक्स को नीचे लिया इसके यहाँ इसके साथ लिया क्या रेडी है यहाँ बट टू एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू टू बाई नहीं आ जाता है यहाँ आगे बात नहीं, तो यानी बी इससे आ गया बी अपॉन ए इससे क्या आ गया बी अपॉन ए इससे क्या आ जाएगा सी अपॉन बी की सिमिलरली क्या आ जाएगा सिमिलरली क्या आ जाएगा बोलो सी अपॉन बी कितना आ जाएगा बोल लो वन अपॉन एक्स लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस ये और इससे क्या आ जाएगा डी डी अपॉन इक्वल टू क्या जाएगा वन अपॉन एक्स ठीक है भाई, तीनों की क्या इक्वल है आर चेस इक्वल है देख इसकी भी एक तो ये आई एक ये है सेकंड एक ये है थर्ड तीनों की क्या इक्वल है आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी तो इक्वल होगी, एल एच एस किसकी कितनी है इसकी बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू वी है बी अपॉन, यहाँ तो बात समझ आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी अगर मान लिया ये ए बी सी डी ए बी सी डी कह में हो ये जी पी में हो तो क्या आएगा इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा तो क्या आएगा बी अपॉन ए सी अपॉन इक्वल टू बी अपॉन सी नहीं आना देखिए क्या आ रहा है कह में है ये फिर इसका मतलब आगे बात सीधा आसान था चलो चलो
r for n plus 1 term in a certain sequence. There are 4n plus 1 terms. There are 4n plus 1. There are 4n plus 1 terms in a certain sequence. See, क्या लिखा? There are 4n plus 1 terms in a certain sequence, in which first 2n plus 1 term is in AP. First 2n plus 1 terms कितने आए में? Is in AP and common difference is 2. ठीक आई बात में आगे लिखो. And last 2n plus 1 terms are in GP where common ratio is 1/2. क्या कहा भाई? कॉमन रेशियो लास्ट टू एन प्लस वन टर्म इन जीपी एंड एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2. If the middle term of AP and if the middle term of AP and GP are equal या are same, then find the number of term of the series. देखो भाई, सवाल समझने की कोशिश करो. क्या कह रहा सवाल? एक कोई सीक्वेंस है, उसके अंदर 4n plus 1 टर्म्स है. याद है बात समझ? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 4n. और उसके अंदर फर्स्ट 2n plus 1 टर्म्स क्या में है? एपी में, इसमें से. और इसके जो लास्ट 2n plus 1 टर्म्स क्या है? जीपी में. एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? डी. इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना दे रखा? आर. याद है बात समझ आ गई? तो दे रखा, और इसका दे रखा मिडिल टर्म्स ऑफ एपी का मिडिल टर्म्स ऑफ जीपी, दोनों क्या है? इक्वल है. क्या कहा मैंने? अच्छा, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला बता दूं क्या हो? मिडिल टर्म निकालने का ना एपी ना जीपी पढ़ा होगा तुमने. मीडियन में, मीडियन क्या है? मीडियन में मिडिल टर्म्स ही तो निकाल लें. क्या हो मीडियन का? एन बाई टू. क्या हो मीडियन में? क्या करते हैं मीडियन टर्म्स ही तो निकलना है. कौन सा बीच वहाँ? बिल्कुल मध्य का, मध्य. मीडियन की हिंदी क्या होती है? मध्य का. मध्य का मतलब मध्य का, मध्य का मतलब बीच में, मध्य. मध्य का होती नहीं भाई, मध्य बिल्कुल बीच में. कौन सा है ये नहीं निकालते? किससे निकले भाई? जिस तरह
एक दो तीन के बीच में कौन सा है? सीधी बात है, देख के बता दो, है नहीं? देख के बता सकते हैं इसमें कौन सा होगा भाई? अरिथमा मध्य फॉर्मूला क्या होता है? पता नहीं, भूल गए, देखा होता है नहीं? देखा था नहीं? वो तो उसमें देखो माध्य जो है नीड इन डिपेंड ओनली डिपेंड ऑन द एन, एन इज इवन और एन इज ओड, दो फॉर्मूले होते हैं, एन इज इवन और एन इज ओड, ठीक। इफ एन इज ओड एन इज देन मीडियन विल बी टू द फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू वी टर्म्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ टू, याद आ गया है? तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस क्या बताया था? एन बाई टू कहा था आपने? यही बोल रहा था, यही बोल रहा था, हैं? बोल रहा था इन इन हैं? जो जब इन्होंने ध्यान दिया मैं कहाँ ध्यान दूंगा? मीडियम के फॉर्मूले की वैल्यू क्या आ गई? एन प्लस वन बाई टू की टर्म्स, कब भैन कब एन इज क्या है? एन इज इवन, एन इज ओड, एन इज ओड, एन इज क्या होगा? ओड है, मैंने इवन कहा था, चलिए इवन, एन इज क्या है? ओड है। अगर इवन होता है तो उसमें क्या होता है? टू होता है, क्या है ये बता रहे तुम मुझे? प्लस एन बाई टू टर्म्स प्लस वन वे टर्म्स अपॉन, यहाँ तो बात नहीं होगी। अच्छा इसके मिडिल टर्म कितने होगा इसका? इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? ये इवन है, ओड नंबर है, ये ओड है, तो क्या आ जाएगा? एन प्लस वन बाई टू टर्म्स, एन प्लस वन के क्या जाएगा? फोर एन प्लस वन क्या जाएगा? फोर एन प्लस वन अपॉन टू, तो क्या जाएगा ये? फोर एन प्लस टू अपॉन टू, टू से ऊपर कॉमन, नीचे कट के क्या आएगा? टू एन वन, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? एन प्लस वन होगा। यहाँ पे बात नहीं आ गई भाई, ठीक। इसका मिडिल टर्म क्या होगा? ये इवन है ओड, ये भी ओड है, ये भी ओड है। इसका मिडिल टर्म कितना होगा? एन प्लस वन। इसका कितना मिडिल टर्म होगा? है भाई, लेकिन क्या कह रहा है वो? अच्छा यहाँ तक के तो, अच्छा यहाँ तक के तो समझ में आ गई ना राम कथा थी, सवाल भी समझ में आ गया, सवाल भी समझ में आया। अच्छा अब क्या कह रहा है ये कि जो इसके फर्स्ट एन टर्म था, इसके फर्स्ट टू एन प्लस वन, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो याद आ गया होगा। देखो भाई इसमें कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स टोटल सीरीज में कितने हैं? हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द गिवन सीरीज, कितने हैं टोटल टर्म्स, कितने हैं दिए हुए? फोर एन प्लस वन है ये, है भाई दिक्कत तो नहीं है। इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ कितने, इसमें से फर्स्ट टर्म टू एन प्लस वन, इसमें से फर्स्ट टू एन प्लस वन टर्म्स हैं ये मतलब यहाँ से शुरू हुई जो सीरीज है, यहाँ से ए यहाँ से शुरू हुई, ये फर्स्ट टू एन प्लस वन है, ये तो कह रहा है ये, क्या है मैं ए पी में यहीं तक कहता है। और इसके बाद फिर लास्ट टू एन प्लस वन टर्म, इसके लास्ट टू एन प्लस वन टर्म के टर्म क्या है भैया? जी पी में है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए अगर ये दोनों? अरे टर्म्स कितने हैं इसमें, यानी कितने टर्म्स फालतू आ गया? वन, यानी कि जहां ये ए पी, जहां ये ए पी खत्म होगी, जहां ये यानी एक टर्म जो लास्ट हुआ इसका फर्स्ट टर्म होगा जी पी का, वो ये जीपी मनी है। देखो इस तरह है, देखो समझ में नहीं आई, मान लिया एक से लेके नौ तक के टर्म्स हैं मेरे भाई, यहाँ तो बात सुनवा गई। मैं कह रहा कि पहले पांच का योग, पहले पहले पांच, पहले पांच कौन से हैं? ये पहले पांच के हम हैं एपी में, ठीक। अब मैं कह रहा बाद के पांच, बाद के पांच कहाँ से शुरू होंगे? पांच से ये क्या मैं ये, अब यानी टोटल टर्म से दस हो गए वैसे तो देखा जा, है नहीं? लेकिन क्या होगा, जो
जो इसका एपी का लास्ट टर्म होगा, जीपी का क्या होगा वो फर्स्ट टर्म। आई नहीं बात सुनी, ठीक नहीं है यहाँ से बात सुनी। अच्छा हम क्या कह रहा, लेकिन इनके दोनों की ये ध्यान रखना, बस ये तो ध्यान रहेगी बात अगर मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इसमें 2n+ बनी है, 2n+ इनकी ज़्यादा हो जाएंगे हैं। आई बात सुनी। अच्छा ये दोनों के क्या हैं मिडिल टर्म, क्या हैं इक्वल है। अच्छा अगर ए पी का है, ए पी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मिडिल टर्म ऑफ ए पी का किसी भी चीज की टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a+n-1 × d। ठीक, इसका क्या होता है n टर्म्स का फॉर्मूला, इसका मिडिल टर्म जी पी का अभी बताया था, a r की पावर n-1। इसे छोटा a नहीं मानना, इसका इसका बड़ा a मान लो, यानी कट जाएंगे दोनों है। जब जब दो घर अलग अलग हो जाए, चाची दाई भाई इनके कुछ बने, इनके कुछ बने हैं, या भी ऐसा हो जाए इनके इनके जो है सब्जी बनी तो इनके भी सब्जी बनेगी, वही वाली वो नहीं बनती, लड़ाई हो जाए कुछ का कुछ बनाया नहीं, इनके चटनी बनी तो इनके दाल बनाए, इनके दाल बनाए तो इनके कुछ बनता भी नहीं, ऐसा हो जाए। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है ए, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी मान लिया अपनी तरफ से, मान लिया इसमें क्या आ जाएगा आर बड़ा आर एन माइनस वन, यहाँ तो बात समझ आ गई। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है मान लिया ए ही है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है ए प्लस एन, एन कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म की बात आ रही इसकी, 2n+1 में कितने मिडिल टर्म्स होंगे, एन प्लस वन कितना आएगा n+1 - 1 × d 2, इसका d है जी पी का 2। आईनी बात नहीं चाहिए, इसका ये कौन सी टर्म्स होगी है, है? आई बात नहीं, इसकी एक कौन सी टर्म्स होगी जीपी की, ये वाली 2n+1 की जो मैं बताया गया था, यानी ए की वैल्यू होगी t 2n+1, 2n+1 की टर्म। आर की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर एन माइनस वन, भाई ये बात समझ में आ गई है जी, क्या क्या ये इसकी वैल्यू एन की वैल्यू कितनी है, कितनी है एन की वैल्यू एन प्लस वन माइनस वन, बात में आई सही बात, बड़ी अच्छी बात लगी आपने पता कराई। तो क्या आ जाएगा ये ए प्लस टू एन, यहाँ तो बात में आगी इक्वल टू, अब देखो इसके एक और सोल्व कर दूँ, एक बार ये लिख दूंगा t 2n+1 1/2 की पावर एन, बात ठीक। अब t 2n+1 की वैल्यू कितनी होगी इसकी, ये कह रहे हैं t 2n+1, ये तो वही है ए पी में, t 2n+1 की वैल्यू क्या होगी भाई a+2n+1 - 1 × 2, आई नहीं बात नहीं। तो क्या होगी इसकी वैल्यू a+4n - 1 4n आ गई, इसकी वैल्यू लिख सकूंगी a+4n, सही में इतनी आई होगी आगे सबकी, समझो रटने वाली बात सुन हुई लंबा पढ़ो लिख, समझ में आने में क्या कहना चाह रहा, कितनी आ गई भाई इसकी बोलो, मिटो तो सबको इसे राम कथा थी को, क्या आ गई बोलो क्या गए, चलो यार मैं सोच आते मैं रुकूंगा इन्हें यार मैं उतार लेंगे, चलो खैर हटके लिख, ये आगे समझ में यहाँ तक के a+2n a+2n = t 2n+1 की वैल्यू क्या आ गई a+4n, लो t 2n+1 की वैल्यू क्या आ गई थी भैया a+2n+1 - 1, यही तो आई थी भाई, भूल गए
a प्लस फोर एन, अब तो ठीक है, क्या लिख दूँ, a प्लस फोर एन अपॉन टू की पावर एन, इसका क्यों नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा, a इंटू टू की पावर n प्लस टू की पावर n प्लस वन इंटू एन, बोल के रही हो, a इज प्लस फोर एन है भाई, इसमें a की पावर टू एन क्या जाएगा, a की पावर टू एन माइनस a इज इक्वल टू क्या जाएगा, फोर एन माइनस a की पावर टू एन आ जाएगी जी, a की पावर टू एन आ जाएगी कहाँ, एक बार टू एन यानी और क्या है, जाती होगी ले भाई, मैं एक तो रुका तो था, मैंने कहा कॉमन आएगा भाई, वो कहाँ तेरे कॉमन नहीं आया, रुका तो था यूनिट को नाम दिया, कॉमन आने कहा है, तो ये इधर रखा भाई इसका है, चल मैंने चढ़ गई होगी वाली बार, तो अच्छा सा भी चढ़ जाएंगे, वो भी चढ़ गई होगी हैं कहीं, देखेंगे बाद में घूम के जाएंगे, देखो भाई अच्छा रहा बेटी वापस जल्दी पकड़ लिए हैं, नहीं तो मोहन दिक्कत आ जाता, मोहन से खेलते दोनों, ए टू की पावर एन माइनस ए इज इक्वल टू 4n माइनस टू की पावर n प्लस वन, यही तो है भाई, दोनों में क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, क्या आ गया 2 की पावर n माइनस वन, हैं क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं, सर ये सेकंड लाइन में टू की पावर एन प्लस वन के साथ एन लिख रहा है, हाँ 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 यू कह रहे हैं, बता दे आप यार, देखो मुझे इतना दिक्कत नहीं, इसलिए फिर मैं टू की पावर एन भी कर लूँ, थे तो और बढ़िया काम करके तुमने मेरे लिए, मैं तो परेशानी हो रहा था इसके लिए, पता नहीं कहाँ भाग गया, ठीक है अच्छा काम कर दिया आप मेरे लिए, n और 2 की पावर n कॉमन ले लूँगा, देखिए कितना बढ़िया काम कर दिया तुमने मेरे लिए, n और 2 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या आ गया, जब यहाँ से 2 की पावर n भी कॉमन ले लो भाई, नहीं नहीं ठीक है, हाँ n n और 2 की पावर n कॉमन ले क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 क्यों बचने जाएगा, अरे ऐसे सीधा कर लेता है, इसे 2 इंटू एन की पावर एन 2 यही तो हो जाता है, ये ले मल्टीप्लाई 2 चाहे कर लेता है, 2 में से जाके एन की कॉमन ले सीधा है, ठीक नहीं है, माइनस के क्या देगा, माइनस के ये 2 है ये 1 है, माइनस के एन 2 की पावर एन, ये तो बच जाएगा, ठीक नहीं है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, क्या आ गया भाई, वहां पे ये n इक्वल टू क्या आ गया, माइनस a अपॉन a टू की पावर n माइनस वन अपॉन टू की पावर n, आई बात नहीं, और इसे और खूबसूरत करना तो ये टू की पावर एन वन माइनस वन पर टू की पावर एन माइनस वन और ज़्यादा खूबसूरत करना है, ये आ गया ये इनकी वैल्यू ये आ गई, देखो करो भाई सब, ये बात नहीं है भाई, बोलो बचने वाली बात नहीं हुई कुछ,
भाई क्या है, अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी सवाल ही सर है देखो भाई क्या है पहला सवाल, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे एपी की प्रॉपर्टी थी इसकी भी जीपी की प्रॉपर्टी होंगी भाई, इसलिए ऐसे होंगी हर एक किसकी भी गुण होने चाहिए प्रॉपर्टी। इफ ए बी सी आर इन जेपी, देखो इफ नंबर नंबर एक डालते रहेंगे भाई, ढेर सारी होंगी इफ, खुद ही डालते रहिए नंबर है, इफ ए बी सी उतारा नहीं, ये क्या है, इफ ए बी सी आर इन जी पी, इफ आर इन जी पी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बी सी आर इन जी पी, अगर ये जी पी में तो भी क्या बताया था, इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो क्या आ जाएगा बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करा बी सी बराबर क्या आ जाएगा रूट ए सी, बी इज कॉल्ड टू द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन था देन बी विल बी टू द ज्योमेट्रिक मीन, देन बी विल बी टू द ज्योमेट्रिक मीन, नंबर नेक्स्ट टॉपिक, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज डिवाइडेड और मल्टीपल, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज डिवाइडेड और मल्टीपल, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज डिवाइडेड और मल्टीपल बाई ए नॉन जीरो भाई, ये नॉन जीरो नंबर देन रिमेनिंग सीरीज विल बी इन जीपी, क्या कहे देखो रिमेनिंग क्या है, क्या कहते हैं न्यू सीरीज या नेट सीरीज या कुछ भी कह रहे हैं, रिमेनिंग बची है न्यू सीरीज विल बी, मान ले किसी भी नंबर से क्या अगर क्या हो गया भाई, लिख दे सुनो दर्द होगा लिख दे, अच्छा क्या आ गया, मैं कोई नहीं दे रहा बिल्कुल, मैं दिखा सुनो दर्द हो रहा, देखो भाई क्या है, एक कोई सीरीज है जीपी उसे किसी नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, वो भी क्या सीरीज कैम होगी जो रिमेनिंग है, न्यू सीरीज कैम होगी विल बी इन जीपी, न्यू विल बी सीरीज इन जीपी, वो भी न्यू सीरीज क्या है जीपी में होगी, नेक्स्ट आगे समझ में बात सुनी है, अच्छा लिखो इफ ए वन, इफ ए वन ए टू ए एन अप टू आर इन जे पी जी पी, इफ क्या है ए वन ए टू ए थ्री ए एन अप टू आर इन जी पी ए, यानी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन जी पी, देन ए वन की पावर एम, ए टू की पावर एम, ए थ्री की पावर एम अप टू ए एन की पावर एम विल बी इन जी पी, कोई नंबर है अगर पावर कर दे जब भी क्या होगी जी पी में होगी, लिख लिया हाँ सब भी ऊपर एम ही है, अगर कोई नंबर पावर तो वो भी क्या होगी जी पी में होगी,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ होगी। नेक्स्ट, इफ कोई भी नंबर होगा, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन जी की, एक सीरीज तो ही है, एक सीरीज कौन सी है, बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन, ये भी कहम है जी पी में, ये दो सीरीज हैं, तो इनकी जो कॉमन ये तो ये वाली ए वन अपॉन दिस एंड दिस, ये होगा, ये भी जो है जी पी में होगी, ये भी कहम होगी ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री, ये भी जी पी में होगी, ये भी, और साथ में क्या, ये भी जी पी में होगी ए वन बी वन कोमा ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री अप टू ए एन बी एन, यानी क्या गया, यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, कोरस्पोंडिंग अगर दो सीरीज हैं, पहली सीरीज ये रही, दूसरी सीरीज, इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं, इनके जो इनके या तो डिवाइड कर दो या क्या कर दो, वो भी नी सीरीज भी कैम होगी जी पी में, ये यही कहना चाह रहा हूँ, जी पी ये भी जी पी में होगी, लिख लिया। अब आगे नेक्स्ट वाली को अगर ये ए वन ए टू और थ्री एन जी पी नई सीरीज से, क्या कहा, ए वन लिखो नया नंबर थर्ड, इफ ए वन ए टू और थ्री ए टू ए एन जी पी आर इन जे पी, देन इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन जी पी, देन लॉग ए वन लॉग ए टू लॉग ए थ्री अप टू लॉग ए एन will be in AP, will be in AP, will be in प्लस हो जाएंगे लोग m into n, लोग m प्लस ना जाए, will be in AP, लोग a1 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 a2 लोग a1 लोग a1 लोग a2 लोग a3 will be in AP। फिर आगे next next लिखो, if ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए एन आर इन जी पी आर इन, फिर एक और सीरीज भी बनी जी पी की, नेक्स्ट देन टर्म्स टेकन इक्वल डिस्टेंस, टर्म्स टेकन into equal distance, terms taken in equal distance also formed F O R M D formed बनाती है G P, also formed in G P, ये क्या कह रहा, ये समझो क्या कह रहा, कि मान लिया ये A, ये सर G P में equal distance है, ले लूँ equal distance मतलब A one A three, जैसे उसमें A P में बताई थी मैंने A five ए सेवन भी कैम हो गई है जीपी में, और ये भी जीपी में होंगे, ये भी जीपी में होंगे, मैंने इक्वल डिस्टेंस में ये जीपी में ले रहे, तो क्या होता है ये भी जीपी में होंगे, यही कहना चाह रहा हूं। आगे आगे क्या कह रहा है, अगर मान लिया क्या हो गया भाई, क्यों सी गए, अगर मान लिया ये क्या कह रहा, ये की है ए एन माइनस के वे टर्म्स हो गई है, ये क्या आ गई, इसकी मान लिया ए एन प्लस के वे टर्म्स हो गई है, ए एन माइनस के वे टर्म्स हो गई है, ये जीपी में है, क्या कहा मैंने, मतलब इससे एक पहली भी टर्म्स है, ये बाद टर्म है, तीनों लगातार कंजर्वेटिव टर्म्स हैं, ये कहम है, ये जीपी में है, तो क्या आ जाएगा इसका, ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए एन माइनस के इंटू ए एन प्लस के, यही ना जाएगा, तो ए एन का स्क्वायर रूट दोनों में क्या जाएगा, ए एन माइनस के इंटू ए एन प्लस,
ये नहीं आएगा। यानी अगर तीन कंजर्वेटिव टर्म्स ये ले लें तो इसका जो है किसी भी सीरीज की मतलब कोई भी सीरीज किसी भी सीरीज की बीच की टर्म ले लो, कोई सी कहीं से उठा लो बीच की टर्म। जैसे यही उठा ली मैंने यहाँ से, मान लिया यहाँ से ये उठा ली मैंने, क्या ली ए सेवन ए एट ए नाइन उठा ली, ठीक। तो क्या आएगा ए एट इक्वल टू क्या आएगा ए सेवन मल्टीप्लाई ए नाइन, यही बताना चाह रहा, ठीक है। लिख ली, चलो आप लिख ली। आगे बात में देखो भाई, मैंने क्या बताया था, जैसे अगर थ्री टर्म्स हैं एपी की, क्या माननी थी मैंने, थ्री टर्म्स ऑफ एपी की क्या माननी थी? हाँ हाँ देखो भाई क्या माननी थी, जैसे ए मान लिया ओड है, ओड में क्या ले लिया ए ले लिया इधर, एक इससे पहले क्या आएगी ए माइनस डी आएगी, क्या आएगी ए प्लस डी, याद हो गई होगी। क्या की माननी थी मैंने ए पी की थ्री टर्म्स, जीपी की थ्री टर्म्स क्या होंगी, ए ए अपॉन आर और ए आर, यही नहीं होगी भैया वन बाई आर से क्या गया, ठीक। अच्छा फोर टर्म्स क्या थी यहाँ, क्या थी देखो बात दिखा मैं, दो टर्म्स होंगी बीच की, कोई वन आ गया चार है ना, तो क्या आएगा ए प्लस ए माइनस डी ए प्लस डी, ये तो थी। और क्या थी इधर, देखो कॉपी में देख क्या लिखी, देखो कॉपी में लिखी है लिखी थी, तुमने लिखी नहीं घर है, चलो जी अच्छी बात है, मैंने तो लिख दी, लो इधर देख लो मैंने तो लिखी थी, ये है कुछ और है, मतलब ये दिखाना था कि मतलब ये ऐसी है यार मेन चीज है। ये क्या जाएगी यहाँ से, बोलो क्या जाएगी, ए आर ए अपॉन आर ए अपॉन आर क्यूब, ये क्या आएगा ए आर का क्यूब, दो लिख दी मैंने भाई, ए माइनस डी ए प्लस डी, दो का फर्क आ गया, दो का फर्क यहाँ प्लस दो है, यहाँ इसकी पावर का दो का फर्क, आर क्यूब और आर क्यूब है। ये कितनी टर्म्स हैं, ये ए पी की, ए जी पी कितनी टर्म्स हैं थ्री, ये कितनी मान लूंगा और फिफ्थ मान लूंगा, फिफ्थ में क्या थी भाई, इसकी फिफ्थ में क्या थी, यहाँ जी फिफ्थ में इवन है, अगर इवन ओड है तो फिर ए आ जाएगा, ए ए माइनस डी, फिर ए माइनस टू डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस ये है जो ये है इवन ये वाले जुगो तुम करेगा, ये आगे बढ़ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा ए ए आर का स्क्वायर इधर ए अपॉन आर का, ये कितनी टर्म्स हैं जीपी की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एआरपीजी की हट के याद करा दी, अब तो याद हो गई होगी, हो गई होगी, कल को फिर पूछूंगा फिर कुछ लिए खोल के पीछे हैं है नहीं, हाँ फिर ये उतारना चाहो तो भाई आगे बढ़ा दी, एक कोई सवाल नहीं
इसमें पहले लिखी हुई होंगी ये वाली, ये नहीं लिखी, हाँ ये लिखी हुई, ये छोड़ दी मैंने, वैसे ही छोड़ दी, लिखी नहीं, अब भी लिख लिया, लिख लो जितने लिखोगे इतने अच्छा रहा, नहीं लिख के थोड़ा ध्यान जाए, ये तो लिख ली होगी एक लाइन, लिखो क्वेश्चन है इफ हेमेट हो तो इफ ध्यान नहीं दिया जब से मैंने कहा हेमेट हो, इफ ए If there are non-zero number A, B, C, if there are non-zero number A, B, C are in AP, if there are non-zero number A, B, C are in AP, यहाँ तक बात नहीं होगी, then क्या कह रहा हूँ? Increasing by one, देखो A is increasing by one, A is increasing by one, A is increasing by, A is increasing by one. और ओ आर ओ या क्या कह रहा है, या सी इज इंक्रीजिंग, सी इज इंक्रीजिंग बाय टू, सी इज इंक्रीजिंग बाय टू, द नंबर आर इन, द नंबर आर इन जीपी, द नंबर आर इन जीपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी। देखो भाई सवाल क्या है, तीन नॉन जीरो नंबर थे ए बी सी, क्या मत एपी में, अगर ए बी सी एपी में है तो क्या आ जाएगा यहां से, 2b is equal to a plus c, रटने वाली बात तो नहीं है, यहां तो बात सुनने वाली, तो 2b is equal to a plus c आ गया ये। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब ये, कि a में एक इंक्रीज कर दो, a में एक इंक्रीज करके कितना आ जाएगा, a में एक इंक्रीज करके कितना नंबर आ जाएगा, a plus बन जाएगा, तो ये gp में हो जा, तो gp में आ जा तो क्या आ जाएगा, then बी स्क्वायर क्या के बराबर आएगा, ए एंड सी तो चेंज नहीं करे इतने, तो क्या बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस वन इंटू सी, ये तो कह रहा, या तो ऐसा करते, या ऐसा करते, क्या ऐसा करते, सी इज इंक्रीज बाय टू, सी कितने कर देता है, टू प्लस कर देता है, तो नई सीरीज क्या आ जाएगी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए इंटू सी प्लस टू, ये तो आ जाता है। अब क्या कह रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू, ये पहली क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, बी की वैल्यू निकालनी, देख कितनी है लीनियर, लीनियर इक्वेशन होगी किस तो नहीं कहते, जितने अननोन होनी चाहिए उतनी क्या होनी चाहिए, उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, कितने अननोन है, एक दो तीन, तीन इक्वेशन इसके अलग हो जाएंगी सोल्व, तो किस तो सोल्व हो सकती है भैया बताओ, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ले लूं पहले, मैं दोनों क्या इक्वल है, ये बी स्क्वायर की इक्वल है ना, तो जब इनकी एल एच एफ इक्वल है, आर एच एफ भी इक्वल होगी, क्या आएगी, ए प्लस वन इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस टू, ए सी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस टू, इस ए सी से ए सी क्या भाई साहब को आर्डर देंगे, सी इज इक्वल टू है, सी इक्वल टू टू ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सी इक्वल टू कितना आ गया,
टू ए आ गया। क्या करे हैं, कहीं रख दो तो जरी, कहीं रख दो जी, बात नहीं कहीं रख दो, तुम रखो तो मैं फिर देखेंगे, तुम रखो जैसे। पर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, क्या गया टू बी इक्वल टू ए प्लस प्लस टू ए, आई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू थ्री ए पॉइंट टू, देखो भाई अब यहाँ क्या रख दूँ मैं इक्वेशन में, ए की भी वैल्यू रख दूँ, सी की भी वैल्यू रख दूँ, यहाँ ए की वैल्यू रख दूँ और चलो बी और सी की रख दो, ए की आ जाएगी, एक ही बात है, कोई दिक्कत समझ रहे है। क्या रखूँ, बी की वैल्यू कितनी रखूँ, क्या है थ्री अपॉन टू, क्या बाई सेकेंड इक्वेशन में क्या जाएगा नाइन ए स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए, ए तो ए है ही और सी की वैल्यू टू है, अब इसकी क्या जाएगा नाइन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा फोर दूनी एट, एट ए स्क्वायर प्लस एट ए, इधर क्या आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू एट ए, ए स्क्वायर माइनस एट ए इक्वल टू जीरो, दोनों में से कॉमन ले लिया ए, तो क्या आ गया ए इंटू ए माइनस एट इक्वल टू जीरो, ए तो जीरो नहीं सकता, ए इक्वल टू एट, ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, बी की वैल्यू क्या जाएगी, हो गया बढ़िया साथ हुआ, सवाल समझ में आ गया ना, ये कह रहा ए बी सी आर नॉन जीरो, यार ये अब समझा उठ के, चलो देखो भाई क्या है, अगर ए और बी के बीच, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा भाई, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ए बी, तो कई बार कर लिया। अगर मान ली कई ढेर सारे नंबर होते हैं अप टू ए एन, क्या है एन नंबर है, क्या है जी पी में, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री मल्टीप्लाई अब टू ए एन मल्टीप्लाई सब की पावर वन बाई एन, ये फॉर्म रहा है, इसकी पावर कितनी है भाई वन बाई, तो इसकी पावर वन बाई एन जगह अरे एन है तो है, घटने वाली बात तो नहीं हो गई। अच्छा आगे देखो क्या कह रहे हैं, मौका मिले देखो क्या है, अब अगर मान लिया
रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, यानी जो ज्योमेट्रिक मीन आ गया, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, तो मतलब जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होती है। ठीक, मान लिया लेट देयर आर टू नंबर ए एंड बी, दो नंबर है ए एंड बी, इनका अर्थमेटिक मीन क्या जाएगा, ए प्लस बी बाई टू है भाई। ज्योमेट्रिक मीन कितना जाएगा इनका, यहां तक बात समझ आ गई। अगर मान लिया इफ ए और बी जो है, मान लिया दो रूट हैं किसी उसके, सी इक्वेशन में कितने रूट हैं, दो रूट हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो आएगा भाई, है नहीं बात है भाई, जिसको कहते हैं मान लिया एक्स, अगर मान लिया एक्स इक्वल टू टू इसका रूट है तो एक्स माइनस टू का फैक्टर नहीं होता, अगर मान लिया एक्स माइनस थ्री फैक्टर है तो दोनों की मल्टीप्लाई जीरो नहीं आती। ये नहीं सोल्व करता हूँ मैं क्वाड्रेटिक में, करता नहीं है, अभी भी करा था मैंने, तो इसका सोल्व कर दिया, क्या आ गया बोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, बोलो बोलता था भाई, यहाँ फोन जिस तरह से लग रहा है, फिर बताया था मैंने कहीं बार बता दिया, तुम चुपचाप बैठे हो, आगे सुनिए, मैं यहाँ तक के ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, टू बी नहीं टू ए एम, और मान लिया अर्थमेटिक मीन को कैसे दिखा रहा मैं, ए से दिखा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन को कैसे दिखा रहा, मान लिया जी से कितना जाएगा, बोल लो एक्स की स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, टू ए एक्स प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, याद बात नहीं होगी। अच्छा अब इसकी वैल्यू से सोल्व कर दूंगा मैं, सोल्व किससे करूंगा, इसके कैसी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को किसको सोल्व करता हूँ भाई, मैं किसका सोल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक को, धराचार्य से, वैसे तो इसके इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसके फैक्टर जिनका जी एल ए हो जाएंगे भाई, नंबर थोड़ा ही है ये, क्या होती है बोल लो फॉर्मूला, क्या होता है वो, एक्स इक्वल टू क्या होता है बोल लो, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी होती है, टू ए, माइनस टू ए भाई, फिर वही गलती करते हैं बच्चों वाली, कितनी माइनस माइनस कितना देगा, प्लस टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस टू ए का स्क्वायर, फोर ए का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी अपॉन टू ए, ये क्या आएगा, टू ए प्लस माइनस दोनों में से फोर कॉमन ले लिया, बाहर क्या आ गया, टू आ गया, टू ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर अपॉन टू, इस टू दोनों में कॉमन ले लिया, क्या आएगा, ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, ये आ गया भाई, सुनो एक तो ये उसका रूट ये हो गया, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, एक रूट इसका ये हो गया, ये हो गया इसके रूट, हो नहीं गए, मतलब अगर दो है तो उसके रूट ही होंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और एक और होता है हमेशा ए एम जो है खैर बड़ा होता है हमेशा जी, अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन टू द ज्योमेट्रिक मीन, यही सब चीज़ का उतारो जी, मान लिया मान लिया दो दो रूट थे ना इसके, रूट कितने, ए बी तो थे, मान लिया इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये तो ए आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ए बी की वैल्यू आ जाएगी ना, ये है वो रिलेशन, क्या रिलेशन है, नहीं ए इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रूट, बी इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट, और ए इन ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, उतारो भाई इसको,
और आगे बैठे भाई, मैं साथ में जाऊंगा इनको। ये अच्छा भाई आज के लिए इतना ही है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर फॉर। मैंने भाई आज क्या है, yes, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम पूछ लिया आपने, ठीक है, मैं तो घर पढ़ते ही नहीं जब है, प्रॉब्लम तो जब होगी है, कौन था क्या है, क्या या फिर एक काम करती है, कागज पर रख दिया आगे, लो दिखा दे, मतलब अगर जल्दी में है ना जी, कागज पर लिख दिया आगे मुझे, कौन था